हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रिमझिम, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 6, जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे आप ध्यान दीजिए, पब्लिक पे। आपका एक और सब्जेक्ट होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट का नाम ये भी है, लेकिन आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में, ये हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस का जो पहला पार्ट है उसका नाम है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम अलग अलग जूरिस्ट की डेफिनेशन में हम अलग अलग जूरिस्ट ने जो भी जो जिस तरीके से भी वो इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग जूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ओपेनहाइम हो गया, स्टार्क हो गया, फेनविक हो गया, तो ये लोग इंटरनेशनल लॉ को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं अपने अपनी समझ के अनुसार। ठीक है, तो अंत में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा, उचित परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक डायनामिक लॉ है। आप सब जानते हैं इंटरनेशनल कोई भी विधि है, कोई भी संसार का नियम, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब परिवर्तन होता है उसी के साथ साथ विधि भी परिवर्तित होती जाती है, तो उसकी आप एक परिभाषा नहीं दे सकते। आपको ऐसी परिभाषा उसकी देनी पड़ेगी जो कि समाज की हर परिस्थिति में वो सूटेबल हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड आपका टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ से आपका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ किस प्रकार की विधि है, इंटरनेशनल लॉ लॉ है भी या नहीं, यदि है तो किस प्रकार का लॉ है। तो इसके विषय में कई आपको मत मिलेंगे, कई डिफरेंट ओपिनियंस आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जूरिस्ट इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ जूरिस्ट कहते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ लॉ ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ लॉ है। और कुछ कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तो है, इंटरनेशनल लॉ तो है, लेकिन वो एक कमज़ोर विधि है, एक वीक लॉ है। ओके, तो आपका सेकंड टॉपिक ये हो गया। थर्ड आपका टॉपिक है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ से आपका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ का आधार क्या है। इंटरनेशनल लॉ को अलग अलग कंट्रीज़ हो गई, नेशंस हो गए, स्टेट्स हो गए, वो क्यों फॉलो करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके विषय में अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि पॉजिटिविस्ट थ्योरी हो गई, जिसमें कि अलग अलग प्रोपाउंडर इसके अलग हैं। प्रकृतिवादी थ्योरी हो गई, जैसे लॉ ऑफ नेचर थ्योरी एज टू लॉ ऑफ नेचर, इसके अलग प्रोपाउंडर्स हैं। तो ये अलग अलग कारण बताते हैं कि नेशंस इसको क्यों फॉलो करते हैं, थ्योरीज में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। आपका टॉपिक छूट गया, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ किन किन सोर्सेज से मिलकर बना है, है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जबकि दो या दो से अधिक नेशंस जो हैं वो कुछ किसी मुद्दे पे मीटिंग करके कुछ लॉ बनाते हैं, तो अभिसमय कहलाता है। ठीक है, रूढ़ियाँ प्रथा, तो अभी समय भी आपका इंटरनेशनल का सोर्स है। रूढ़ियाँ प्रथा भी आपका, रूढ़ियाँ जैसे कि मान लीजिए कई समय से कोई प्रैक्टिस चली आ रही है, वो आपके लॉ बन जाती है समय के साथ में, है ना, विधि का बल रखने लग जाती है, तो वो रूढ़ी कहलाती है। ठीक है, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का आपका सोर्स मानी जाती है। इसके अलावा सभ्य राज्यों के स्वीकृत सामान्य सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, ये भी कुछ आपका पार्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका, जैसे कि और कौन सा सोर्स आप कह सकते हैं, जजमेंट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई जजमेंट देता है, ठीक है, तो वो जजमेंट कैसे आपका इंटरनेशनल का पार्ट बन जाता है, या फिर आपका मान लीजिए स्टेट लॉ का कोई का जजमेंट है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई जजमेंट है, तो वो कैसे इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन जाता है। तो इस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, यानी कि
इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ. म्यूनिसिपल लॉ से आपका मतलब है जो कि स्टेट लॉ है, जैसे कि इंडिया का जो लॉ है, ठीक है, जो इंडिया में अप्लाई करता है. इंटरनेशनल लॉ जो कि इंडिया से बाहर जो भी नेशंस हैं उनके बीच में जो लॉ आप एप्लीकेबल है, तो उन दोनों में क्या संबंध है, तो इस संबंध में भी कई सारे आपको थ्योरीज देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो ये टॉपिक इस बारे में है. नेक्स्ट है कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. कोडिफिकेशन, इंटरनेशनल लॉ जब अस्तित्व में आया था तो वो रूढ़ी और प्रथा के रूप में था, हमने बात करी. धीरे 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 हम रूढ़ी और प्रथा से उसको लिखित में कोडिफाई करने लग गए. जो भी एक कोडिफाई यानी कि किसी भी विषय पे जितने भी लॉ उपलब्ध हैं उनको हम एक जगह एकत्रित करके उसका संहिताकरण कर देते हैं. ठीक है, तो वो आपका कोडिफिकेशन हो गया. तो ये आपका ये टॉपिक हो गया. नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉ के विषय क्या हैं. विषय क्या है यानी कि इंटरनेशनल लॉ किस किस पर अप्लाई होता है. क्या यह सिर्फ राज्यों पर अप्लाई होता है, स्टेट्स जो कि नेशंस हैं उन पर अप्लाई होता है, या फिर यह व्यक्तियों पर भी अप्लाई होता है, ठीक है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी अप्लाई होता है. तो इस बारे में ये आपका टॉपिक है. नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल लॉ. एक इंडिविजुअल, जैसे अभी हमने बात की, क्या व्यक्तियों पर इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, ये आपका सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ टॉपिक में डिसाइड हो जाता है. फिर इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल का, व्यक्तियों का स्थान क्या है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट टेरिटरी. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट टेरिटरी. स्टेट टेरिटरी से आप क्या समझते हैं, राज्य का टेरिटरी कितनी होती है, ठीक है, लैंड कितना, लैंड लैंड का पार्ट कितना आपका स्टेट का पार्ट है, मैरिटाइम टेरिटरी कितनी है आपकी, एयर स्पेस में आप कितना आपका क्षेत्राधिकार है, तो ये सब स्टेट टेरिटरी बात करती है, ये टॉपिक बात करता है. स्टेट एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी कैसे होती है, आप कैसे कोई ज़मीन है, लैंड है या भूखंड है उसको आप कैसे एक्वायर करते हैं, वह कैसे आपके स्टेट का पार्ट हो जाता है, कैसे आप उसको लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी कैसे हो जाएगा, तो ये सब टॉपिक्स आप स्टेट टेरिटरी नामक टॉपिक में आप देखेंगे. रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, थियोरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, तो ये एक आपका अलग से टॉपिक है, जिसमें कि आप रिकॉग्निशन से आपका अर्थ है मान्यता. अलग अलग कंट्रीज़ जब भी कोई राज्य अस्तित्व में आता है तो उसे मान्यता प्रदान करती है और उसके साथ संबंध स्थापित करती है, ठीक है. तो इसके विषय में अलग अलग थ्योरीज़ हैं कि नहीं, मान्यता देने से ही कोई राज्य अस्तित्व में आता है. एक थ्योरी ये बात कहती है, एक थ्योरी कहती है कि नहीं, मान्यता तो सिर्फ एक घोषणा मात्र है, राज्य पहले से अस्तित्व में आ जाता है. फिर मान्यता देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, डी ज्यूरे रिकॉग्निशन होता है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है, इसके विषय में अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग मत मिलेंगे आपको. रिकॉग्निशन कैसे वापस ली जा सकती है, ये सब आपको टॉपिक देखने को मिलेगा इस टॉपिक में. नेक्स्ट आपका है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन. एक स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होता है, क्षेत्राधिकार, ये आपका ये टॉपिक बात करेगा. स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकार, ठीक है, कि जब एक राज्य अलग अलग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया, ठीक है, तो भारत से उत्तराधिकार में पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा, ठीक है, इस विषय में आपका ये टॉपिक स्टेट सक्सेशन डिसाइड करता है. उत्तराधिकार में आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं तो कुछ आपको लाइबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, तो वो सब चीज़ें आप इस टॉपिक में देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट आपका है लॉ रिलेटिंग टू सी. अब आप जानते हैं कि हमने बात की स्टेट टेरिटरी की, मैरीटाइम बेल्ट होता है हर एक स्टेट का, इस जैसे कि समुद्र से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी आपका क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है. उसके बाद भी आप देखेंगे तो कुछ आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे आपको ओपन सी देखने को मिलेगा. ओपन सी पे किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता है, इसके विषय में एक अलग से लॉ बनाया गया है, ठीक है. तो उस
उसके बारे में क्या लॉ है ये हम लॉ रिलेटिंग टू सी में देखेंगे, ठीक है। जो भी आप देखेंगे लॉ है, लॉ रिलेटिंग टू सी, समुद्र से संबंधित क्या क्या विधि है, इसमें आप ये टॉपिक में आप ही देखेंगे। इसके अलावा पायरेसी से संबंधित मुद्दा है, ठीक है, उसमें समुद्री जो डाकू आप जिनके बारे में जानते हैं तो उससे संबंधित क्या विधि है, ओके, ये सब आप इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है आउटर स्पेस, आउटर स्पेस से संबंधित क्या विधि है, उस पर राज्यों को क्या अधिकार है, कहाँ तक उनको अधिकार है, तो वो आउटर स्पेस आप देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अपने उपग्रह आउटर स्पेस में छोड़ती हैं, ठीक है, तो क्या उस संबंध में विधि बनाई गई है, वो ये टॉपिक है। नेक्स्ट है असाइलम, असाइलम में, असाइलम से आपका मतलब है आश्रय। जब एक व्यक्ति, एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाके अपनी राज्य के लॉ से बचने का प्रयास करता है और एक दूसरे देश द्वारा उसे आश्रय दे दिया जाता है, शरण पनाह दे दी जाती है, तो उसके विषय में क्या विधि है, वो असाइलम डिस्कस करता है। असाइलम और शरण, रेफ्यूज, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि हम आने वाली क्लासेस में जब भी ये टॉपिक पढ़ा जाएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रैडिशन, एक्सट्रैडिशन से आप, एक्सट्रैडिशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण। इसके बारे में आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ चुके होंगे, आप जानते हैं नीरव मोदी का केस हो गया, आपका विजय माल्या का केस हो गया, विजय माल्या इकोनॉमिक ऑफेंडर है आप सब जानते हैं, वो जाके लंदन में जाके उन्होंने बैठ गए, ठीक है। अब हमारे देश की विधि सिर्फ इंडिया तक लागू होती है, अब हमें उसे, अगर हमें प्रोसिक्यूट करना है तो उसे हमें इंडिया ला के प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, इंडिया लाने के लिए हमें प्रत्यर्पण विधि का सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। लंदन कोर्ट, लंदन गवर्नमेंट जब उसे हमारे देश में प्रत्यर्पित करेगी, ठीक है, तभी हम उसे प्रोसिक्यूट कर पाएंगे, तो इसके संबंध में अलग से विधि बनाई गई है, ओके, तो ये टॉपिक इस बारे में डिस्कस करेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिप्लोमेटिक एजेंट्स, आपके देश में कई अलग अलग देशों के राजदूत रहने के लिए आते हैं, ठीक है, और आपके देश से कई देशों में आपके राजदूत रहने के लिए जाते हैं ताकि उन देशों में ट्रांजैक्शंस जो है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन आसानी से चल सके, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आसानी से हो सके, तो इस पर्पज़ से राजदूतों का, राजदूतों के लिए अलग विधि बनाई गई है, तो वो ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूएनओ, यूएनओ के बारे में आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, 1945 में इसका उदय हुआ था, है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो यूएनओ के बारे में आप इसके, इस टॉपिक में देखेंगे, इसके 6 ऑर्गन्स हैं आप जानते हैं, कुछ सब ऑर्गन्स भी हैं, तो मेनली आपके टॉपिक का जो पार्ट है वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपका सामान्य सभा और आपका सुरक्षा परिषद और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स से आप क्या समझते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे कैसे हो सकता है, अलग अलग देशों के मध्य जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको आप सेटल कैसे करेंगे, तो इसके विषय में अलग अलग तरीके बताए गए हैं, ओके। नेक्स्ट है इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप, इससे इंटरवेंशन से मतलब है कि देखिए प्रत्येक राज्य अपने आप में संप्रभु है, सॉवरेन स्टेट है, ठीक है, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब किसी अन्य देश द्वारा आपकी संप्रभुता में दखल दी जाती है, ओके, तो उसे आप हस्तक्षेप कहते हैं, इंटरवेंशन, ओके, इसके विषय में क्या विधि है, कब कोई राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, राज्य के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि यूएन है वो कब आपके उसमें हस्तक्षेप कर सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें
इंटरवेंशन के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ये सब आपके उस टॉपिक में देखने को मिलेगा। वॉर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, लॉज ऑफ वॉर, वॉर क्राइम्स, एग्रेशन नेक्स्ट आपके टॉपिक्स हैं। सेवन्थ आपका सिलेबस का पार्ट है बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन, न्यूट्रलिटी, ब्लॉकेड एंड सेंट्रल। तो ये वॉर नहीं है, लेकिन वॉर से वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर से पहले की स्थितियाँ हैं, जिसमें कि जैसे न्यूट्रलिटी, आप किसी भी देश की साइड नहीं हैं, आप न्यूट्रल हैं, ब्लॉकेड में आप नाकाबंदी कर देते हैं, तो ये सारे टॉपिक उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से आप क्या समझते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख चुके हैं प्लेस ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ, तो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में आप देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, इसके लिए क्या क्या कन्वेंशन हुई है, क्या क्या कोविनेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वॉर क्राइम्स, वॉर ट्रायल्स। इसके अलावा एक टॉपिक आपका आएगा इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, इसके विषय में विश्व समुदाय ने क्या व्यवस्था की है, ये इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, क्या लॉ बना रखा है इसके विषय में। नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट से मतलब है निशस्त्रीकरण। प्रत्येक कंट्री को अपने जो भी हथियार हैं उनमें कमी करनी है, ठीक है, इसके विषय में अलग अलग ट्रीटीज़ हुई हैं अलग अलग देशों में, जिसका भारत भी किसी कहीं कई सारी ट्रीटीज़ का पार्ट है। तो इसके विषय में जो भी ट्रीटीज़ हैं उनमें क्या व्यवस्था की गई है, क्या लॉ है, तो ये आप इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट हाईजैक, एयरक्राफ्ट हाईजैक से आप क्या समझते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आपने किसी एयरक्राफ्ट को, एयरप्लेन को, हेलीकॉप्टर को, जो भी एयरक्राफ्ट है उसको आपने हाईजैक कर लिया है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप सबने पढ़ा ही होगा, कांधार में जो एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था, ठीक है, तो इसके विषय में क्या विधि है, तो आपका ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाला है। ओके, तो आज हमने आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया मोटे तौर पर, और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक उठा के उसके बारे में अपनी समझ बनाएंगे। तो सजेस्टेड रीडिंग्स की हम बात कर लें अगर, कि आपको इस आपके पेपर के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7 बुक्स मेंशनड है, ठीक है। एस के कपूर आप देख सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आती है, एमपी टंडन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आती है। इसके अलावा एक एच ओ अग्रवाल की बुक है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, अच्छी बुक है। ओके, तो अब इसके अलावा और क्या सोर्स आपको इंटरनेशनल लॉ के लिए रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए आपकी, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर ज़रूर देखना होगा। न्यूज़पेपर में आपका जो वर्ल्ड का सेक्शन आता है, सेगमेंट आता है, उसमें डेली आपको देखना पड़ेगा कि कोई जो भी टॉपिक आ रहा है वो आपके जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपके टॉपिक से, सिलेबस के टॉपिक से कैसे जाके रिलेट कर रहा है। ओके, जैसे कि हमने बात की अभी विजय माल्या की बात की, विजय माल्या का प्रत्यर्पण से संबंधित काफ़ी टाइम से, लगभग 2 साल से न्यूज़ में आ रहा है कि लंदन कोर्ट ने उसको प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे दी है, फिर आता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करी है, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गई है, अब उसको इंडिया के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ आप पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको इस टॉपिक की अलग समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अलग अलग आप अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अभी आप इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड देख सकते हैं, इतने सारे आपके धमाके होते रहते हैं, उसके विषय में क्या किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ओके, लॉ रिलेटिंग टू सी में आप देखिए, कैस्पियन सी का मुद्दा था, कैस्पियन सी को आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसको आप लेक मानेंगे कि उसको आप सी मानेंगे, तो ये सब मुद्दे हैं, तो ये आपके टॉपिक से जाके जुड़ते हैं, जो कि आपको एक अलग से समझ प्रदान करेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास रही, थैंक यू सो मच।